भाई आपकी लास्ट वीडियो देखी, वो डीमोटिवेशनल स्पीकर ने तो मेरी आंखें खोल दी। अभी मैं पढ़ाई लिखाई करूंगा और डिग्री लूंगा, फिर डिग्री लगा के चाय पकौड़े बेचूंगा और करोड़ों कमाऊंगा। सर को कितना भी साबुन से नहला दो, जाएगा तो कीचड़ में ही। मजनू तुझे तो डिग्री रोल करके ही देनी चाहिए। ऐसा क्यों भाई? पहले डिग्री की वैल्यू बच्चों से ज्यादा होती थी, फिर स्किल्स की वैल्यू होने लगी। जब से ये इंस्टाग्राम के नल्ले स्पीकर आए तब से ना डिग्री की वैल्यू बची है ना स्किल्स की। जैसे इंस्टाग्राम पे बुबू दिखाने वाली हर लड़की अपने आप को मॉडल बोलती है, वैसे ये लोग हर जेनरिक काम को स्टार्टअप बोलते। सारे डिग्री लेके स्टार्टअप के नाम पे ठेला लगा रहे। MBA चाय वाला, BTech पानीपुरी वाली, ग्रेजुएट चाय वाली, PhD भेलपुरी वाली, NASA पटाखे वाले, ये लोग अपने ठेले के नाम के आगे अपनी डिग्री लगा के असली फेरी वालों की बेइज्जती करते हैं, फिर इन्वेस्टर का चंदा खा जाते हैं और ठेले वालों का धंधा खा जाते। भाई बेचारे बिजनेस कर रहे हैं। तो करना करो ना भाई, परेशान हो गए हम भी 2 साल से। ठेले वाले भी परेशान है, डिग्री वाले भी परेशान है। करो फिर, चाय मांगी है, राय दे रहे, बेचना है समोसा चाट और बनना है इन्फ्लुएंसर की। भाई मार्केटिंग भी तो जरूरी है, बिना सर पैर की बातें करने को मार्केटिंग नहीं कहते। ये देख, बहुत बड़ा सोचो, सोचो हाथी खाना है, आप कैसे खाएंगे? एग्जाम्पल तो ऐसे दे रहा है जैसे चाय नहीं अमृत बेच रहा है। हाथी खाएगा तू भुस्के, उसने मुंह दिया तो टपरी बह जाएगी तेरी। अरे बागड़ बुद्धि, बड़ा सोचने में और कुछ भी सोचने में अंतर होता है भाई। वैसे तो मैं भी प्लूटो की एलियन राजकुमारी को खाना चाहता हूँ। कौन है जो मुझे खाएगा? राजकुमारी खाना मतलब वो वाला खाना। हाय मेरी जान, ईट मी। देख मजनू, चाय बनाने के लिए क्या चाहिए? चीनी, चाय पत्ती और दूध। सबसे मेन चीज तो तू भूल ही गया। हाँ अदरक। अरे अदरक क्या जाने बंदर का स्वाद, ये लीजिए सर। छी, क्या घटिया चाय है बे। अदरक तो डाला था, स्वाद उससे थोड़ी ना आएगा। इसमें MCOM की डिग्री डाल दे और MBA का तड़का लगा दे, हाँ स्वाद ही आ जाएगा। एक काम कर, मेरी फ्रेंचाइजी ज्वाइन कर ले। तू वही है ना इंस्टाग्राम वाला? हाँ। इसकी बहन का मसाला चाय में डिग्रिया डाल के हमारा बिजनेस खा जाता है। तू जाता रे इलायची था इकड़े। मिल गया मिल गया मिल गया, ए मसाला भाव मिल गया मेरे को, वो हाथी वाला। हाँ हाँ मैं भी आ रहा हूँ, मुझे खाएगा का। मिल गया साला, हमारी इज्जत का फालूदा करेगा, वो भी चाय में डाल के। पकड़ो साले को, मारो। जरा सोचो फ्यूचर में यूनिवर्सिटीज की एड कैसे होंगे। वेलकम टू BPU, बौड़ी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे एवरेज स्टूडेंट अपने माइंड को एक्सप्लोर करते हैं, यही तो हमारी स्पेशलिटी है, खाली जगहों को एक्सप्लोर करना। यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग के साथ साथ वर्ल्ड क्लास चाय बनाने की या पकोड़े बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस यूनिवर्सिटी ने सिर्फ इस देश को ही नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे इंटरनेशनल जगहों पे 200 से ज्यादा काबिल MTech चाय वाले और होनहार PhD पकोड़े वाले दिए हैं। वी बिलीव इन इनोवेशन, वी बिलीव इन एस्पिरेशन, वी बिलीव इन कॉन्स्टिपेशन, वी बिलीव इन भौड़ी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। भरोसा रखिए, अगर हमारा कॉलेज अच्छा होता तो हम ऐड क्यों बनाते। चलिए नजर डालते हैं हमारे काबिल शिक्षकों पे, जिनका पढ़ाने का तरीका इस दुनिया का है ही नहीं। अब कुछ कुछ के बताओ एल्केन, एल्किन और एल्काइन का सामान्य सूत्र। पहले ये बताओ केमिस्ट्री के लेक्चर में PT सर को सूट पहना के किसने घुसा दिया। अब कुछ कुछ के बताओ मेरे को पढ़ना ही नहीं है, बच्चों में जा रहा हूँ। एल्काइन का सामान्य सूत्र, कह दो ना प्लस टू। I am sorry लेकिन आप मुंबई नहीं आ सकते, मुंबई आपको ढूंढता हुआ आ रहा है। माइनस टू तो कह दो ना प्लस टू, तो देखिए ना कह दो ना। जरा सोचो इसका पढ़ाया बच्चा अगर कल केमिकल फैक्ट्री में काम करने गया तो। जस्सी हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है, गैस लीक हो गई तो पूरे शहर को जुलाब हो जाएंगे। जा अंदर से अल्कलाइन ला। ओए पेंटा, ये अल्कलाइन क्यों था? देखो अल्कलाइन नहीं पता, याद आया जी याद आया, वही ना, कह दो ना प्लस टू। क्या मत, कह दो ना माइनस टू। सबके मुखड़े फटने वाले, ऐसे नमूने तो टीचर है यहाँ पे। इन बच्चों की बातों पे ध्यान मत दीजिए, आइए आपको मिलाते हमारे महिला शिक्षिका से, जो सुंदर भी है, क्योंकि ये तो ऐड है। मेरे को पहले ये बताओ कि ऑनलाइन 1+0 पढ़ने कौन जा रहा है? तेरा ध्यान बोर्ड पे था एकदम। भाई मार्कर कौन से कलर का था? नीला नहीं पीला, लाल था, 100% लाल था। मैडम आपके एंगल के चक्कर में बेचारे बच्चे अपना बैंगन हिला रहे, जो दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है और जो नहीं दिखना चाहिए वही दिखे जा रहा है। मैं कसम खाता हूँ उन दोनों ने मुझे पहले देखा, मैंने उनको नहीं देखा। जरा सोचो पाइथागोरस को ऐसे टीचर पढ़ाते तो क्या होता मैथमेटिक्स का, बेचारा थ्योरम छोड़ के रम पी के पड़ा रहेगा खेतों में। भाई अपना न्यूटन भी PPU में पढ़ा है, उसको फोर्स किसने सिखाया? किसने? यूं कीजिए कि यहाँ पे जो है वो लड़की है, ठीक है, और हम जो है उसको जो है लड़की को फोर्स दिए, ऐसे लड़की को फोर्स दिए तो लड़की क्या करेगी, एकदम जो है माइल के बाप करके उधर जाके गिर जाएगी। इसके बाद न्यूटन पागल हो गया, उसने लड़कियों को त्याग दिया और फोर्स की खोज में निकल पड़ा और अपनी गांड मार दी। अच्छा तभी वर्जिन था। अरे ये तो धागे खोल रहा है।
पता है बिहार से सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर क्यों निकलते? क्यों भाई? क्योंकि इंजीनियरिंग ये सिखा रहा है। बच्चों आज हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड करेस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन। साले विज्ञान के रावण, कहां तेरी नाभि में छुपा है करेस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन? ये टीचर है तो नोरा फतेही प्रोफेसर होनी चाहिए। और मलाइका प्रिंसिपल। अरे वो डस्टर से बोर्ड साफ करते, ये क्या कर रहा है बेचारा डस्टर? माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। माँ ये दुनिया बहुत खराब है। माँ ये IIT का बोर्ड बोल के टीचर का TIT खिसा रहे। माँ इसके पहले वो गलती से मैं आ रहा हूँ। जरा सोच, ये भौरी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की PTM कैसे होती होगी? आपके बेटे का परफॉर्मेंस थोड़ा लो है। परफॉर्मेंस मेरे बेटे का नहीं, आपका खराब है। आपके केमिस्ट्री के लेक्चर में थोड़े सुर कम पड़ गए, ताल तो दिखाई नहीं। और ठुमके कौन लगाता है आजकल? हिस्ट्री की मिसेस गुप्ता पहले डांस करती है, आपको भी सीख लेना चाहिए। BPO के पकोड़े खा खा के मोटे हो रहे हो क्या? माचो BPO में टेंशन नहीं लेने का। अगर आपके चाय पकोड़े खा के शरीर और टट्टे सूज जाते तो चर्बी निकाल के आपका वेट लॉस करवाने के लिए हमारे पास कमांडो ट्रेनर्स है। ये कमांडो का शुक्राचार्य फैट और भूत में कंफ्यूज है। बच्चे इसके पास फैट निकलवाने आते हैं, ये भूत निकाल के भगा देता है। इधर कमांडो का जादू टोना और बच्चों का निरोना। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। आइए नजर डालते हैं BPO के उन पुराने छात्रों पे जो BPO से पढ़ के आज फॉरेन कंट्रीज में जाके अपने ज्ञान की रोशनी को फैला रहे हैं। But once I start to ignore you, straight US Washington White House you will drop. Just wait and see. मेरा स्पोकन इंग्लिश का टीचर लग रहा है। इसको देख के अमेरिका के वीजा की फट चुकी है। What is this? Hello visa. Why so many Indian immigrants are coming to this country? सर कोई अख्तर खान उनको इग्नोर कर रहा है। कमला यू टू? सर अख्तर खान मेरे दिल का चैन। और एक नमूना देखा मैंने। ठीक है हाँ जी। बट पता कितने की आती है? 1 घंटे की। बट पता है आज से 5 साल पहले कितने की आती है? 1 घंटे की। कुछ समझे क्या? इस दुनिया में हर चीज महंगी हो गई है। माचिस आज भी उतनी की आती है जितने की आज से 5 साल पहले आती थी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि क्या है ना, इस दुनिया में दूसरों की जिंदगियों में आग लगाने वालों की कभी कीमत नहीं बढ़ती। इसकी स्पीच सुन के लाइटर ने खुदकुशी कर ली और सारी माचिस की तीलियां स्ट्राइक पे चली गई। जला हमारे बिना। अरे सुनो लाइटर दादा, ये हमारे बीच की बात है। छोड़ दो मुझका, छोड़ दो, मुंह से निकल गई यार। जला वरना तेरी कान जली गई। आज भलाई का जमाना ही नहीं रहा। ये रखो टपाड़ा बड़ा बड़ा बड़ा। आज से इसके जले हुए पिछवाड़े के दाग दिखेंगे। आज से हम 2 रुपए में बिकेंगे। भाई ये वाला टीचर देखो, x का वैल्यू आपको दे रखा है। मैं फिर बता रहा हूँ बच्चों, x का वैल्यू 2a है, y का वैल्यू 2b है और z का वैल्यू x is 2a, y is 2b, z is। मैंने आपसे कहा था एडवांस मैथ का क्वेश्चन भुजवानी बन जाता है, इसमें दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। सर आपके होते हुए दिमाग का क्या काम? तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल का पागल, लाइक और शेयर ठोक दीजिए। मैं तो पढ़ने आया था सर। 5,000 लौंडे दिख जाना चाहिए। पागल हो गया क्या? अभी 5,000 लौंडे कहाँ से पकड़ के लाओ? और लौंडियों से क्या परेशानी आपको? स्मैश द पैट्रियार्की। और XY की वैल्यू क्या है? बराबर। कोई दिक्कत नहीं, मैंने चटनी से रोटी खाई है, मुझे कोई पनीर वाली नहीं खानी। मैं जीवन चटनी से बिताना चाहता हूँ, पर मुझे सपोर्ट कर दीजिए। अभी रोने लग गया। इसके वजह से आधे घंटे का होमवर्क 4 घंटे में हो जाता है, क्योंकि 3 घंटे और 30 मिनट तो ये अपना भी रोना रोता रहता है। कभी कभी मैथ के एग्जाम में क्वेश्चन देखकर आंसर की जगह ये याद आ जाता है कि ये वाले क्वेश्चन के समय सर को पनीर के साथ पुदीने की चटनी नहीं मिली थी। पाइथागोरस के क्वेश्चन के समय सर के बालकनी से कबूतर चड्डी चुरा के भाग गया था। बच्चों के मैथमेटिक्स की ज्योमेट्री लगा दी बे इसने। भाई आंसू नहीं, भाई आंसू नहीं। तो कहा निप्पल से रोएगा? मैथमेटिक्स इज अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, बट योर एंड इज हियर। मीट आवर इंग्लिश टीचर। पहला होता है प्रोनाउन तेरी, फिर यहाँ पर एक आता है नाउन। अब ये नाउन में कोई तो रिश्ता रहेगा, भाई बहन माँ पिता। फिर यहाँ पर एक कारक आ जाता है, फिर यहाँ पर कोई बॉडी पार्ट आ जाता है जो कि फिर नाउन रहेगा, और ये भी नाउन होता है। ओके, तो भाई गाली भी दे रहे हैं ना, तो एकदम ग्रामेटिकल भाषा में दे रहे हैं। तेरे भाई की तेरे। परसा आ गया, क्या सीखा आज? ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन और बॉडी पार्ट। नाउन और प्रोनाउन तो सुना है, बॉडी पार्ट एग्जाम्पल दे। तेरी माँ की क्या बोला? हाँ पापा ग्रामर था। बाप को गाली देगा, पापा तेरी प्रोनाउन है। मेरी प्रोनाउन नहीं गंदी औलाद है, माँ नाउन है और बॉडी पार्ट मैं उखाड़ता हूँ तेरा बॉडी पार्ट। छोड़ो। सोचिए भौरी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का हेड कितना पटवा होगा। आइए मिलते हैं BPO के हेडमास्टर से, जिनका नाम है फिजिक्स वल्ला ही वल्ला उर्फ अलग ही पांडे। इन्होंने तो पूरी टीचिंग इंडस्ट्री को यकीन दिलाया कि ये हमसे बेहतर क्या काट सकते हैं। इन्होंने हमें बताया कि इंडिया में इंजीनियर स्किल्स से नहीं नंबर्स लाके और एग्जाम क्रैक करके बनाए जाते हैं। बच्चे भी खुश, पेरेंट्स भी खुश। जब जॉब्स ही नहीं है तो स्किल्स का क्या अचार डालोगे? इनका एक कोट है जिससे इन्फ्लुएंस होके लाखों बच्चे BPO में एडमिशन लेते।
इफ यू आर गेटिंग समथिंग फॉर फ्री इट मीन्स यू आर द प्रोडक्ट। हेलो बच्चो, ये कौन है? चल देखते। मेरे यार तू जा। हेलो बच्चा, JEE चाहिए? फ्री है, ले ले। हाँ, फ्री है बिल्कुल। थैंक यू सर। सेकेंड डे। हेलो बच्चो। हेलो सर। नीट चाहिए? हाँ हाँ चाहिए, इसको भी दे दो। हाँ हाँ दे दो, ले लो। थर्ड डे। हेलो बच्चो। हाँ बहुत अच्छा था सर, कुछ कड़क वाला मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। JEE एडवांस चाहिए? एडवांस हाँ दे दो दे दो। लेकिन ये फ्री नहीं है, इसके 50 लगेंगे। हाँ दे दो, मुझे फ्री वाला ही दे दो। ये लो ले लो। हेलो बच्चो, मैंने कहा था एडवांस ले ले, मजे आ जाएंगे। हाँ हाँ मुझे भी नीट एडवांस दे दो, ये लो पैसे। मुझे भी ले लो ले लो, लेके जाओ। सर इससे भी तगड़ा माल है क्या आपके पास? इससे भी तगड़ा है ना, ये देख। हाँ दे दो। लेकिन इसके 1000 लगेंगे। सर इतने पैसे कहाँ से लाओ सर, मुझे चाहिए। अच्छा एक उपाय है मेरे पास। क्या है सर, बताओ जल्दी से।